एंड यू नीड अ बॉटल, नया मत लीजिए, पुराना बॉटल से काम चल जाएगा। तो हाय गाइस, आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, छोटा सा टॉपिक है बट आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा स्टिंगरे है, काफ़ी बड़ा साइज है। तो लास्ट ईयर मैंने गलती किया था, आप वो वाला वीडियो अगर नहीं देखे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन पर भी मिल जाएगा, माय टॉप 10 मिस्टेक्स सो फार। मेरा जो स्टिंगरे था, मैं उस पर हीटर लगाया था जब वो छोटा था, तो उसका स्केल बर्न हो गया था। बहुत ख़तरनाक चीज़ है गाइस ये। तो मैं तब से, मेरा जितना भी मॉन्स्टर पॉन्ड है इसमें जिसमें हीटर ज़रूरत है, एंड एक्वेरियम जैसे इधर आप देख सकते हैं, उस पर मैं किस तरह से हीटर को यूज़ करता हूँ वो मैं आज आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या आपको चीज़ चाहिए, यू नीड ए बॉटल, नया मत लीजिए, पुराना बॉटल से काम चल जाएगा, अपने मम्मी से पूछ लीजिएगा एक बार क्योंकि बहुत टाइम। एंड आपको एक ऑब्वियसली हीटर चाहिए, एंड ये कुछ नायलॉन का स्ट्रिंग है, ये आपको चाहिए। ओके, सो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है, आप जैसे देख सकते हैं ये बॉटल है, तो ये वाला पोर्शन आपको काट के निकालना होगा। जैसे मैं ये काटा हूँ, ये आप ड्रिल मशीन से कर सकते हैं या कोई नाइफ को गरम करके आप ऐसे लगाइएगा, कट हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे होल्स बनाना है हर तरफ, ठीक है, नया बॉटल पे आपको होल्स बनाना है। फिर आपको दो सक्शन चाहिए, देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये आपको कोई भी फिश शॉप का दुकान पर मिल जाएगा। एंड इसका होल्स आप देख सकते हैं कैसे ये फिट हुआ है, मैं आपको वापस दिखा दे रहा हूँ, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं इस तरह से होगा। फिर आपको इसको ऐसे लगा देना होगा, ओके। फिर एंड पे जो इसका मुंह रहेगा, यहाँ पर आपको दो होल्स बनाना होगा, एक इस तरह और एक यहाँ पर, बस। फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो हीटर इसमें दो सक्शन कप रहता है वो निकाल देना है, फिर इसको इसके अंदर घुसाना है। सो हमने हीटर को लगा दिया इसके अंदर, फिर आपको एक स्ट्रिंग लेना होगा ऐसे कोई भी, फिर आपको इसमें बांधना होगा। ये देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल है, इधर से घुसा के इधर से निकालना होगा, सो दैट इट होल्ड्स प्रॉपरली। आप टेम्परेचर पहले सेट कर लीजिएगा फिर डालिएगा, ये 30 डिग्री किया हुआ है, थोड़ा एक दो टेम्परेचर बढ़ा के कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लास्टिक बॉटल का अंदर रहता है, तो इसलिए आप, मैं यहाँ 30 किया हूँ। फिर आपको इसको बांध देना है, ओके। सो ये हम हो गया हम लोग का हीटर का कवर कंप्लीट, DIY एकदम देसी स्टाइल पे। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर पॉन्ड है तो पॉन्ड पे लगा दीजिए, एक्वेरियम है तो एक्वेरियम पे डाल दीजिए। एंड ये कुछ ज़्यादा ही मतलब चौड़ा है बॉटल, आप पतला वाला भी ले सकते हैं। ये वाला कवर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ अब आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले गाइस, आप देख सकते हैं मेरा यहाँ मॉन्स्टर फिश है, तो इनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहता है। देखिए एरापैमा वहाँ पर एक बार मारा है, रिसेंटली मारा अभी थोड़ी देर पहले, तो वो पाइप थोड़ा बाहर आ गया, बहुत स्ट्रेंथ रहता है। तो ये ग्लास हीटर है, बहुत ही सेंसिटिव रहता है, ईजिली टूट जाएगा अगर कोई बड़ा मॉन्स्टर फिश इस पर मारेगा तो। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है स्टिंगरे का, एंड जो भी स्केललेस फिशेज रहता है लाइक स्टिंगरे हो गया और भी बहुत सारे है कैटफिश में, तो उनके लिए आपको हीटर पे कवर देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं देते हैं बहुत चांस रहता है एक्सीडेंट होने का, स्केल्स बर्न हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। एंड स्टिंगरे का स्पेशल केयर वीडियो बहुत जल्द आएगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एंड आप लोग को भी पता है दुर्गा पूजा का टाइम है, मैं थोड़ा अभी बिजी हूँ, तो और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आप लोग को देखने को मिलेगा। सो ये था एकदम सिंपल में आप कैसे एक्वेरियम का हीटर का कवर बना सकते हैं घर पे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको बस अच्छे से होल्स करना है। देखिए हर जगह होल्स क्यों मैंने, और एंड पे दो होल्स करना है इसको बांधने के लिए।
बस। और सक्शन कप चाहिए। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे। पीस। देखिए गाइस मेरा अरवाना। I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye.